अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा वसीम ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाते हैं झटपट और इजी सी रेसिपी। हम आज बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए मैंने गुलाब जामुन का रेडीमेड पैकेट आता है वो ले लिया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आइए देखते हैं। ये मैंने 500 ग्राम शक्कर ले लिया है, उसी हिसाब से वही नाप से सेम मैंने पानी लिया है। जितनी शक्कर है उतना ही पानी। दो इलायची ले लेना है हमें, एक कप दूध ले लेना है हमें गुलाब जामुन का बैटर बनाने में। सबसे पहले हम बनाने रखते हैं चाशनी। आइए गैस पे एक पैन रख लेते हैं, इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको अगर 500 ग्राम और 250 ग्राम नाप में कन्फ्यूज़ है तो आप देख लीजिए ये कप 250 ग्राम नाप का है। यही कप से मैंने दो कप शक्कर लिया है, यही कप से दो कप पानी लिया है, एक कप गुनगुना दूध लिया है मैंने। इसे थोड़ा हल्का गुनगुने में हमें आटा गूंदना है। ये 250 ml है, इसे दो लेना है। ऐड करेंगे हमारी दो इलायची डाल लेना है, इसे अच्छे से बॉईल होने रखना है। चलिए अभी हम जब तक हमारी चाशनी बॉईल हो रही है हम गुलाब जामुन का बैटर बना लेते हैं। ये 250 ग्राम का पैकेट था, इससे पहले ही अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेना है सूखे हाथों से अच्छे से। चलिए अभी हल्का हल्का दूध डाल के हमें हल्के हाथों से इसका बैटर बनाना है। दूध जितना हमें लगे उतना ही डालना है। जब तक कि हमारा बैटर बनता है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी मैं आपको घर के सामानों से भी किस तरीके से गुलाब जामुन बनाते हैं वो भी बताऊंगी। ये देखिए अच्छी तरीके से इसे मैंने बना लियो बैटर, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे गूंदना है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, आधे घंटे बाद इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। और दूध भी मैंने जो लिया है थोड़ा ही दूध लगा है, इतना पूरा दूध इसमें नहीं लगा। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। इसे मैंने छोटे छोटे गोले बना लिया है इस तरीके से, गोले में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसमें क्रैक है, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल क्रैक नहीं होना चाहिए। हाथों में घी या बटर लगा लीजिए, हल्के हल्के हाथों से इसे बना लीजिए। चलिए अभी मैं आपको गुलाब जामुन फ्राई करके दिखाती हूँ किस तरीके से फ्राई करना है। तेल को गरम कर लेना है और एकदम मीडियम, एकदम लो पे रखना है फ्लेम में, गैस की फ्लेम में एकदम लो रखना है। बहुत ज़्यादा भी तेल को गरम नहीं करना है कि डालते साथ हमारे गुलाब जामुन लाल हो जाए, इस तरीके से भी नहीं गरम करना है, मीडियम गरम करना है तेल को। देखिए हमारे गुलाब जामुन हमें आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से करना है, बिल्कुल सालन में और चम्मच चलाते हैं वैसा नहीं करना है। हल्के हल्के से हम ऐसे तेल चम्मच से डालिए, गुलाब जामुन खुद हमारे अच्छे हो जाएंगे, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं गुलाब जामुन, इसे हमें भी निकाल कर चाशनी में डालना है। चाशनी हमारी हल्की सी गरम होना चाहिए, गुनगुनी आप कर लीजिए अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो। उसे मैंने थोड़ा सा भी गरम कर लिया है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं गुलाब जामुन, अभी मैं इसे आपको चाशनी में डाल के बताती हूँ। चाशनी में डालने के बाद आधा से एक घंटा हमें छोड़ देना है इसे। दूसरे में आपको और फ्राई करके बताती हूँ।
फ्राई करने के टाइम हाथों में हल्का सा बटर या घी लगा लीजिए, छोटे छोटे गोले बना लीजिए इस तरीके से। ये देखिए क्रैक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए इसे मैंने चाशनी में डाल चुका है। देखिए हमारे गुलाब जामुन 1 घंटा हो चुका है, अभी मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।